प्यारे दोस्तों, तुम लोग अब तक कहाँ थे? तुम दोनों यहाँ पर? तुमने फोन करके कहा था कि तुम दोनों घूमने गए हो। ये बताओ, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर एक लड़का है जो कि बी ह्यूमन है, और वो हमें अपने होमवर्क के लिए यहाँ पर लेकर आया है। होमवर्क के लिए? मुझे एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की कोई थीम बताई है? पता नहीं, उसकी कोई तो थीम है जिसके लिए वो ये कर रहा है। ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये वही लड़का है। तुम दोनों इधर हो, ये तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। तुम 5 करोड़ साल पहले के वक्त में गए थे? दरअसल मेरे पास एक टाइम मशीन है। इसके पास टाइम मशीन भी है? मैं पिछले 5 करोड़ साल पहले के रहस्य जानने के लिए गया था, और पता है मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ पर इंसानों के पैरों के निशान देखे। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। हमारे बारे में बात तो नहीं कर रहा? लगता तो ऐसा ही है। मुझे उस जगह पर एक बाल भी मिला, इससे मुझे कोई सुराग मिल सकता है। हमने DNA की मदद से उस इंसान को ढूंढना शुरू किया जिसका वो बाल था, लेकिन हम जिस जगह पर पहुँचे वो जगह तुम्हारी दुनिया में थी और तुम्हारे समय में। मैं इसकी गहराई तक जाना चाहता था, और किस्मत से हमें 2 बच्चे मिले जो शायद हमारी मदद कर सकते थे, और फिर मैं अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए आप दोनों को यहाँ ले आया। इनको भी प्रोजेक्ट मिलता है। जरा सुनिए। क्या हुआ? ओहो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। दोस्तों, इससे मिलो, ये है फ्यूचर का रोबोट ईमो। फ्यूचर का रोबोट ईमो? मेरा नाम ईमो है। क्या हम लोग कोई रास्ता नहीं निकाल सकते जिससे हमारे बीच लड़ाई ना हो? अगर आप लोग कहें तो मैं अभी दूसरे देशों के प्रेसिडेंट से बात कर सकता हूँ, या फिर चाहे तो आधी दुनिया आप रख सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, इंसान को शांति से रहने की आदत नहीं है। आपको हमें पूरी की पूरी पृथ्वी वापस करनी पड़ेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मानते हो या नहीं। अब क्या करो? अब तक 3 घंटे बीत चुके हैं और प्रेसिडेंट की कोई खबर नहीं। उन्हें शायद हमारी मदद की जरूरत है। हथियार तैयार हैं? जी सर, हमारे पास 5 राइफल्स हैं। 3 लोग मेरे साथ चलो और 2 लोग यहीं रुको। ध्यान से सुनो, अगर हम वापस नहीं आते हैं तो इमरजेंसी में यहाँ से निकल जाना। ओह ठीक है, जैसा आप कहें। दोस्तों, हम लोग मुश्किल में हैं। ये लोग हमसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जल्दी। अगर ऐसी ही बात है तो उन्होंने आपको कैद क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा है। अगर हम यहाँ अंडरग्राउंड में ही रह जाते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। क्या हम वापस पृथ्वी जाकर पूरी दुनिया को इस बारे में नहीं बता सकते? उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहाँ से किसी भी हालत में वापस नहीं जा सकते। वो देखिए, वो सामने कुछ आ रहा है। अब ये क्या मुसीबत है? पूरी शक्ति से उड़ चलो। हम आपको अंडरग्राउंड वर्ल्ड से वापस नहीं जाने दे सकते। कृपया यहीं रहिए, हमारे साथ ही रहिए। यहीं रहिए।